अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में हमने माइक्रोस्कोप के दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, और दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थे रिजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन। और हमने देखा था कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ माइक्रोस्कोप के फंक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज हम देखेंगे इस सेशन के अंदर माइक्रोस्कोप की थोड़ी बहुत हिस्ट्री और माइक्रोस्कोप के मुख्तलिफ किस्में जो हम लेबॉरेटरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो इन दो इन किस्म के माइक्रोस्कोप जो मुख्तलिफ किस्में, इनमें क्या फ़र्क है और इनका मैकेनिज़म किस तरह है, ये किस तरह काम कर रहे होते हैं, किस तरह एक इमेज बनाते हैं और किस तरह मैग्नीफिकेशन करते हैं, किस तरह रिजोल्यूशन करते हैं, ये प्रोसीजर हम पढ़ेंगे। हो सकता है कि आज का जो लेक्चर है ये थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि माइक्रोस्कोप के जो दोनों किस्में हैं, लाइट और कंपाउंड इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोप, दोनों को हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करें। तो स्टार्ट लेते हैं हम माइक्रोस्कोप की हिस्ट्री से। डच एक साइंटिस्ट था ज़ेशारियस, उसने पहली दफ़ा ग्लास को ग्राइंड करके उसने लेंसेज का कंसेप्ट दिया था, ज़ेशारियस जेंसन। लेकिन फर्स्ट प्रॉपर कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था गैलीलियो ने इन 1609। ये पहला प्रॉपर कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। आल्दो गैलीलियो से पहले ज़ेशारियस जेंसन ने कन्वेक्स लेंस का कंसेप्ट दिया था, वो ग्लास को ग्राइंड करके उसने कन्वेक्स लेंस बनाए थे जो चीज़ों को मैग्नीफाई कर सकते थे। लेकिन प्रॉपर कंपाउंड माइक्रोस्कोप फर्स्ट टाइम बनाया था गैलीलियो ने इन 1609। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने 1656 में 300 टाइम मैग्नीफिकेशन वाला माइक्रोस्कोप बनाया, जिसके ज़रिए उसने बायोलॉजी की सबसे फेमस डिस्कवरी की थी, द डिस्कवरी ऑफ सेल इन 1665। फिर लीवन ह्यूक द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हम उसे क्यों कहते हैं कि लीवन ह्यूक ने फर्स्ट टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंसेप्ट दिया था। उसने अपना माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया और उस माइक्रोस्कोप के ज़रिए से उसने फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया, प्रोटोजोन और रेड ब्लड सेल देखे थे, इसलिए हम एंटोनी वान लीवेनहुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, कि उसने पहली दफ़ा हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंसेप्ट दिया था कि दुनिया के अंदर ज़मीन में ऐसे ऑर्गेनिज्म भी मौजूद है जो हमें नज़र नहीं आते। माइक्रोस्कोप की तरफ हम आते हैं। माइक्रोस्कोप की हिस्ट्री के बाद हम माइक्रोस्कोप के दो बड़े टाइप्स देखेंगे। माइक्रोस्कोप की एक जो बहुत कॉमन किस्म है उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं और दूसरी किस्म को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप के इन दो किस्मों के दरमियान बुनियादी फ़र्क सोर्स ऑफ इमेज का है। लाइट माइक्रोस्कोप जो है ये इमेज बनाता है लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन की वजह से, तो इसमें सोर्स ऑफ इमेज क्या हुई, लाइट। और इसके और लाइट को डायरेक्ट करने के लिए, लाइट को फोकस करने के लिए हम इस माइक्रोस्कोप के अंदर इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिकल लेंसेज, यानी दूस ग्लासेस दैट कैन बेंड रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रेक्ट लाइट, तो ऑप्टिकल लेंसेज हम इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप से इस लिहाज से डिफरेंट है कि इसमें हम सोर्स ऑफ इमेज इलेक्ट्रॉन बीम को इस्तेमाल करते हैं। ये माइक्रोस्कोप इमेज बनाता है इलेक्ट्रॉन के बीम से, और किस तरह बनाता है ये डिटेल हम ज़रा बाद में देखेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम थोड़ी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर वहाँ पर यह प्रोसेस हम देखेंगे। ऑप्टिकल लेंसेज के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक लेंसेज, या इसके लिए प्रॉपर वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, क्योंकि ये लेंसेज तो है नहीं, लेंस तो ग्लास से बनी हुई होती है, जो उधर ऑप्टिकल लेंसेज है ये लेंस नहीं है, लेकिन चूंकि माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होते हैं तो हम इसको मैग्नेटिक लेंसेज, या इसके लिए प्रॉपर वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को चेंज कर सके, जो इलेक्ट्रॉन को बेंड सके कर सके, जो इलेक्ट्रॉन को फोकस कर सके, क्योंकि उधर हम लाइट इस्तेमाल करते हैं, तो लाइट के बेंड फोकसिंग के लिए हम बेंडिंग के लिए फोकसिंग के लिए हम ऑप्टिकल लेंसेज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के बीम को डायरेक्ट करने के लिए, उसको कंडेंस करने के लिए, उसको फोकस करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये बुनियादी फ़र्क है दोनों माइक्रोस्कोप के अंदर। लेकिन पहले हम देखेंगे लाइट माइक्रोस्कोप को। लाइट माइक्रोस्कोप की दो किस्में हैं, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप क्या है देखते हैं, हम इसको डिफाइन करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप दैट हैज अ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस,
यू माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप है, जिसमें सिर्फ एक ही कन्वेक्स लेंस मौजूद होता है। ऑन द अदर हैंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम डिफाइन करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप दैट हैज टू कन्वेक्स लेंसेज यूज्ड साइमल्टेनियसली। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो कन्वेक्स लेंसेज होती हैं, जिसको हम एक ही वक्त में एक चीज को, एक सैंपल को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आलू के कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लेंसेज बहुत होती हैं, हम देखेंगे डायग्राम के अंदर, लेकिन किसी सैंपल को, किसी माइक्रो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए आपको एक वक्त में दो लेंसेज इस्तेमाल करने होते हैं, और उधर तो है ही एक लेंस, तो आप एक ही कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं, और उसकी एग्जाम्पल हम देखेंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास एक कन्वेक्स लेंस होती है, जिसका हैंडल होता है, और ये कन्वेक्स लेंस ये अक्सर औकात जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उनके पास ये लेंस होती है, और आपके स्किन को देखने के लिए, आपके स्किन पे स्कार या जख्म को देखने के लिए वो इस लेंस को इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये एक ही कन्वेक्स लेंस होता है और ये हैंडल होता है, जैसे आप इस लेंस को होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं। इसके अलावा इसके एग्जांपल ये भी है कि जो नज़दीक का चश्मा है, फार साइटेडनेस के लिए जो लेंस हम इस्तेमाल करते हैं, नज़दीक का चश्मा अखबार पढ़ने के लिए, ये जो चश्मा है ये भी सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप है, क्योंकि ये भी एक ही लेंस है। इसके अलावा जो मोबाइल के मैकेनिक होते हैं मोबाइल वाले, या जो गाड़ियों को ठीक करने के लिए के जो मैकेनिक होते हैं, उसके पास भी एक कन्वेक्स लेंस होती है, जो गाड़ी को देखने के लिए या मोबाइल को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब एक ही कन्वेक्स लेंस हो तो उस माइक्रोस्कोप को हम कहेंगे सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, लेकिन अगर दो लेंसेज हो तो इसको हम कहेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप की मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर होती है 100x, यानी ये किसी भी चीज को अपनी असल साइज से 100 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकती है, ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है। एंड अदर एंड अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में चूंकि दो कन्वेक्स लेंसेज को हम एक ही वक्त में एग्जांपल को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसके मुकाबले में इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है और रिजोल्यूशन पावर है वो ज्यादा है। कितनी है हम देखेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को अगर हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर एक लेंस होती है ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक होती है आईपीस लेंस, जिस लेंस को हम आई के साथ रखते हैं, जिसके ऊपर हम अपनी आंख रखकर उस सैंपल को देखते हैं, उसको, इस लेंस को हम कहते हैं आईपीस लेंस। ये कन्वेक्स लेंस है, और ये जो लेंस है, ये जो लेंसेज हैं, इनको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज। हाल दो किस माइक्रोस्कोप के अंदर लेंसेज हो, आपको डायग्राम के अंदर चार नजर आ रही हैं, लेकिन एक सैंपल को देखने के लिए साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में आप दो ही इस्तेमाल कर सकते हो, एक आईपीस और एक ऑब्जेक्टिव। तो अब ऊपर डेफिनेशन देखें, दैट हैज टू कन्वेक्स लेंसेज, वो माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप जिसमें टू कन्वेक्स लेंसेज, उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं हैंडल, जैसे माइक्रोस्कोप को कैरी करते हैं, और ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं स्टेज। स्टेज माइक्रोस्कोप की का वो पार्ट है जहां पर आप देखने के लिए सैंपल को रखते हो। इसके ऊपर हम ग्लास स्लाइड रखते हैं,
जिस चीज़ को आप माइक्रोस्कोप में देख रहे होते हैं या देखना चाहते हैं उस चीज़ को हम कहते हैं स्पेसिमन। ये स्पेसिमन सेल हो सकता है, कोई बॉडी का छोटा सा स्किन का टुकड़ा या हेयर हो सकता है, या बॉडी का कोई सेल हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस, सारी वायरस इस माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आता, कोई फंजाई यीस्ट हो सकता है। तो हर वो चीज़ जिसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखना चाहते हो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, स्पेसिमन। इस माइक्रोस्कोप में इमेज किस तरह बन रहा होता है कि या तो इसके अंदर खुद का बल्ब आता है कमरे की तरफ से, या इसको आप विंडो या डोर की तरफ करेंगे ताकि लाइट स्पेसिमन के ऊपर पड़ सके और स्पेसिमन से लाइट रिफ्लेक्ट हो ऑब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव से आईपीस में, तो फिर इस इमेज की मैग्निफिकेशन भी होगी और रिजोल्यूशन भी होगी स्पेसिमन की। तो ये लाइट की रिफ्लेक्शन और लाइट की फोकसिंग पर के बेस पर ये इमेज बना रहा होता है ये माइक्रोस्कोप, इसलिए हम इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। इस माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है वो हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इसकी मैग्निफिकेशन पावर को हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि आईपीस की जो मैग्निफिकेशन पावर है और ऑब्जेक्टिव लेंस की जो मैग्निफिकेशन पावर है इसको हम मल्टीप्लाई करके करते हैं। किस तरह से, एक मिसाल देखें, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितनी है, अप टू 2000x। जो मेजॉरिटी हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि किसी सैंपल को अपने असल साइज से 2000 टाइम बड़ा करके दिखा सके। लेकिन ये बात ठीक है कि कुछ फ्लूरेसेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कि मॉडर्न है उनमें ये एबिलिटी 10000x तक है। सॉरी, दिस इज 10000x, इट मीन्स दैट दे कैन इंक्रीज द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई 10000 टाइम्स। रिजोल्यूशन पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कितनी होती है, अप टू 250 नैनोमीटर। आल दो ये रिजोल्यूशन पावर की यूनिट नहीं है, लेकिन जो कि हमारे कोर्स में ये इस तरह से लगा हुआ है तो हम भी इस तरह से इसको फॉलो करेंगे। 250 नैनोमीटर का मतलब ये है कि ये दो पॉइंट, जब उन दो पॉइंट के बीच 250 नैनोमीटर का फासला हो तो इस माइक्रोस्कोप के अंदर ये एबिलिटी है कि ये दो पॉइंट्स को अलग करके दिखा सके। लेकिन अगर दो पॉइंट के बीच और डिस्टेंस 250 नैनोमीटर से कम हो जाए तो इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये एबिलिटी ख़त्म हो जाती है और ये भी उन दो पॉइंट्स को एक पॉइंट दिखा रहा होता है। और अगर आपने मजीद रिजोल्यूशन आपको चाहिए होती है तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना होगा। इस माइक्रोस्कोप की एबिलिटी यहाँ तक है कि ये दो पॉइंट के दरमियान जब डिस्टेंस 250 नैनोमीटर हो तो इस माइक्रोस्कोप को वो दोनों पॉइंट्स अलग नज़र आते हैं और वो भी आपको अलग दिखा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस माइक्रोस्कोप के अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनके अंदर क्रोमोसोम, माइटोकांड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी, ये चीज़ें आपको अलग अलग करके दिखा सके। इसकी वजह क्या है कि इन ऑर्गेनिल के बीच, इन मेम्ब्रेन्स के बीच जो फासला है वो 250 नैनोमीटर या इससे ज़्यादा है। लेकिन अगर ये फासला इससे कम हो जाए तो इस माइक्रोस्कोप के भी दो पॉइंट एक ही नज़र आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हमें पता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से हम जानते हैं कि ये बाई लेयर है, यानी दो लेयर पर मुश्तमिल होता है ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन इस माइक्रोस्कोप को ये एक ही लेयर नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो लेयर के बीच जो फासला है वो 250 नैनोमीटर से कम है, ये फासला तकरीबन 7 नैनोमीटर है और ये फासला इस माइक्रोस्कोप को नज़र नहीं आता। ये माइक्रोस्कोप आपको ये भी नहीं दिखा सकता कि इसके अंदर जो राइबोसोम्स है, क्यों? क्योंकि राइबोसोम का साइज 20 नैनोमीटर है और इस माइक्रोस्कोप को किस हद तक नज़र आ रहा होता है, 250 नैनोमीटर तक का साइज इसको नज़र आ रहा होता है। अगर ये इससे कम हो जाए तो इसको नज़र नहीं आता, राइबोसोम इसको नज़र नहीं आता, ऐसे आप राइबोसोम को नहीं देख सकते क्योंकि राइबोसोम का साइज 20 नैनोमीटर, यानी वेल बिलो 250 नैनोमीटर। अगर आपने राइबोसोम को देखना हो, आपने ये देखना हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो लेयर पर मुश्तमिल है, तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना होगा। इस माइक्रोस्कोप की जो रिजोल्यूशन पावर है वो हमारी आई, ह्यूमन आई के मुकाबले में 500 टाइम ज़्यादा है।
रिजोल्यूशन पावर के लिहाज से ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारी आंख के मुकाबले में 500 गुना ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि हमने बताया था कि हमारी जो आई है ये दो पॉइंट के बीच जब डिस्टेंस 1 मिलीमीटर हो तब हमारी आंख को वो दो पॉइंट दो नज़र आते हैं, अगर 1 मिलीमीटर से डिस्टेंस कम हो जाए तो हमारी आंख को वो दोनों पॉइंट एक ही नज़र आते हैं। इस माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द आई पीस। फॉर एग्जाम्पल, आप चाह रहे हैं कि आप किसी चीज़ को 100x तक बढ़ा सकें, 100 टाइम्स अपने ओरिजिनल साइज से, तो आप क्या लेंगे? 100x की सॉरी 10x आईपीस एंड 10x ऑब्जेक्टिव लेंस। तो माइक्रोस्कोप इस स्पेसिमन को 100 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकेगा। और ये जो पावर है ये आईपीस के ऊपर और ऑब्जेक्ट के ऊपर लेकर होता है, हर ऑब्जेक्टिव के ऊपर उसका पावर लेकर होता है कि सब्जेक्टिव में कितनी एबिलिटी है मैग्नीफिकेशन की। फॉर एग्जांपल, आप चाह रहे हैं कि ये जो स्पेसिमन आपको 100x पर नज़र नहीं आया, अब आप मज़ीद इसका साइज़ बड़ा करना चाह रहे हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव का आईपीस का पावर लेंगे 20x और इसका पावर फॉर एग्जांपल आपने लिया 40x, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये मैग्नीफाई हो जाएगा किस हद तक? 800x। अपने असल साइज़ से 800 गुना ये इसका साइज़ जो है 800 टाइम इसका साइज़ मैग्नीफाई हो जाएगा। अगर आप मज़ीद मैग्नीफिकेशन चाहते हो तो आप ऑब्जेक्टिव आईपीस का मैग्नीफिकेशन पावर 20x रखें और जो ऑब्जेक्ट है उसको रोटेट करें, दूसरी ऑब्जेक्टिव लगाए जिसकी पावर जो है मैग्नीफाई वो 60x हो, तो आपके पास मैग्नीफिकेशन आ जाएगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप 1200x। तो इस तरह से हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर कैलकुलेट करते हैं। किस तरह से? कि आईपीस की मैग्नीफिकेशन पावर इनटू मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर आ जाएगी। और इस तरह से इस माइक्रोस्कोप के मेजॉरिटी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसमें कितनी एबिलिटी है? 2000x, एक ऑब्जेक्ट को इस हद तक ये मैग्नीफाई कर सकते हैं। लेकिन आजकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो मॉडर्न है जिसको हम फ्लोरेसेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी है कि ये 10,000x तक चीज़ों को अपने असल साइज से बड़ा करके दिखा सकते हैं। माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमने देखी, लाइट माइक्रोस्कोप कि ये इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है और ये इसकी पावर क्या है। अगर आपको 2000x या सम केसेस में 10,000x से ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए, आप वायरस को देखना चाहते हो, आप राइबोसोम को देखना चाहते हो, आप इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और प्रोटीन को अलग अलग देखना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लेयर नहीं बल्कि 2 लेयर हैं, तो आपको कौन सा माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना होगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मुकाबले में ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं थोड़ी बहुत डिटेल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप की दूसरी किस्म हमने देखी, पहली किस्म हमने देखी कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप जिसके अंदर 2 किस्में थी, सिंपल एंड कंपाउंड। दूसरी किस्म माइक्रोस्कोप की हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय रस्का एंड मैक्स नॉल इन 1931 एंड बोथ ऑफ देम वर अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर दिस इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन साइंस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप साइंस के अंदर एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इसलिए है कि इसने हमें इस काबिल बनाया कि हम नैनो लेवल पर चीज़ों को दे सकें। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने हमें एबिलिटी दी कि हम माइक्रो लेवल पर चीज़ों को दे सकें, लेकिन इसे आगे की एक लेवल है
नैनो लेवल, और उस नैनो लेवल को देखने के काबिल बनाया हमें किसने? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने। दैट इज़ वाई इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन साइंस, दैट इज वाई बोथ ऑफ देम वर अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर दिस इन्वेंशन। आल्दो कैसे माइक्रोस्कोप को फर्दर इनोवेट किया, कम इस माइक्रोस्कोप को फर्दर कैपेबल किया टेस्ला ने, लेकिन इस माइक्रोस्कोप को फर्स्ट टाइम डिज़ाइन और इन्वेंट किया था रस्का एंड मैक्सनाल ने। इस माइक्रोस्कोप के अंदर हमने पहले भी जिक्र किया था कि सोर्स ऑफ इमेज क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बीम। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर सोर्स ऑफ इमेज क्या थी? बीम ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। लेकिन इसके अंदर सोर्स ऑफ इमेज क्या है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बीम। हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ से आ रही होती है। और इस माइक्रोस्कोप में हमने ये भी बात की थी कि इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं टू डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन, टू फोकस इलेक्ट्रॉन, टू बेंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बीम को एडजस्ट करने के लिए, फोकस करने के लिए हम इस माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इस्तेमाल करते हैं। ये माइक्रोस्कोप किस तरह काम करता है ये हम देखेंगे, लेकिन पहले आप देखें कि इसकी मैग्निफिकेशन पावर किस हद तक है। इसकी मैग्निफिकेशन पावर है 1,000,000 x। एंड इसके अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद है, ये एबिलिटी मौजूद है कि किसी स्पेसिमन को अपने असल साइज से 10 lakh times ज़्यादा बड़ा करके दिखा सके। ये इसकी मैग्निफिकेशन फाइनल जो आखिरी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर है ये इसकी इतनी है। और इस लिहाज से ये जो माइक्रोस्कोप है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन पावर के लिहाज से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यानी इट इज़ ऑलमोस्ट 1 lakh times पावरफुल देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मुकाबले में मैग्निफिकेशन पावर की बुनियाद पर 1 lakh times ज़्यादा पावरफुल है। इसकी रिजोल्यूशन पावर कितनी हद तक है? 50 picometers। अगर दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस 50 picometers या इससे ज़्यादा हो तो ये माइक्रोस्कोप आपको वो दो पॉइंट दो अलग अलग दिखाने की सलाहियत रखता है। लेकिन अगर 50 picometers से ज़्यादा डिस्टेंस अगर दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस 50 picometers से कम हो जाए तो इस माइक्रोस्कोप के भी ये दो पॉइंट एक ही नज़र आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस डिस्टेंस का मतलब क्या है? 50 picometers डिस्टेंस रिजोल्यूशन पावर का मतलब यह है कि इस माइक्रोस्कोप के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद है कि ये माइटोकांड्रिया के दो मेम्ब्रेन को अलग अलग करके दिखा सके, ये न्यूक्लियस के दो मेम्ब्रेन को अलग अलग करके दिखा सके, ये क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और प्रोटीन को अलग अलग करके दिखा सके, ये सेल के अंदर राइबोसोम के दो यूनिट, स्मॉल यूनिट एंड लार्जर यूनिट, न सिर्फ राइबोसोम को दिखा सके बल्कि राइबोसोम के जो स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट है उनको भी अलग अलग करके दिखा सके, ये लार्जर मॉलिक्यूल को भी दिखा सकने की सलाहियत रखता है। लेकिन फिर मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स या जो कंपाउंड है और उसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल है ये उनको दिखाने से कासर है, क्योंकि एटम का साइज पिकोमीटर 50 picometers से नीचे है। जो स्मॉल मॉलिक्यूल है जिस तरह वाटर हुई या जिस तरह अमोनिया का मॉलिक्यूल हुआ, इन मॉलिक्यूल का साइज भी चूंकि 50 picometers से कम है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ये मॉलिक्यूल भी नज़र नहीं आते। लेकिन डीएनए जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, पॉलीसेकेराइड जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये इस माइक्रोस्कोप को नज़र आते हैं। इस रिजोल्यूशन पावर का ये मतलब है। और इस बुनियाद पर दिस माइक्रोस्कोप इज 10,000 times मोर पावरफुल देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस बुनियाद पर ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मुकाबले में 10,000 times ज़्यादा पावरफुल है।
ये माइक्रोस्कोप फंक्शन किस तरह करता है और इसकी दो किस्में हम पढ़ेंगे, आल्दो के इसकी किस्में तीन है लेकिन हमारे कोर्स के अंदर इसकी दो किस्में हैं वो हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले इस माइक्रोस्कोप के डिज़ाइन को हम देखते हैं। यह हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसका डिज़ाइन हम देखेंगे लेकिन पहले आप ये बात समझें कि इस माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ज़्यादा क्यों है। इसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन जो एक पार्टिकल है एटम का, एक एलिमेंट्री पार्टिकल है एटम का, ये वेव इसकी वेव नेचर भी है, ये डुअल नेचर का है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। और जब इसकी नेचर वेव की हो, जब ये वेव की फॉर्म में हो तो इसका जो वेव लेंथ है ये बहुत ही शॉर्ट होता है। और फिजिक्स के अंदर बहुत सादा सा उसूल है कि अगर किसी वेव की वेव लेंथ कम हो तो उसमें पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी, और जिस वेव की, जिस पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इनर डिटेल लेकर आएगा। यानी आपको इस तरह से समझे कि कोई आपकी क्लासरूम की रिपोर्टिंग करना चाहता है तो एक इदारा जो है वो दो बंदे बेचता है, दो मॉनिटर्स बेचता है, एक मॉनिटर बाहर से इंफॉर्मेशन लेता है और एक मॉनिटर अंदर कमरे के अंदर पेनिट्रेट करके इंफॉर्मेशन लेता है। तो ये दूसरा मॉनिटर है जो कमरे के अंदर पेनिट्रेट कर गया, ये अथॉरिटीज़ को ज़्यादा क्लियर इंफॉर्मेशन देगा क्योंकि इसने क्लासरूम को अंदर से देखा। इस तरह लाइट जो है, लाइट इमेज बनाती है रिफ्लेक्शन के थ्रू, कि किसी स्पेसिमन पे पड़ती है तो फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है लेंस की तरफ और लेंस उस रिफ्लेक्शन के बेस पर इमेज बनाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है चूंकि इसकी वेव लेंथ कम है तो ये सैंपल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और लाइट के मुकाबले में ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेकर आता है। तो यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर, किसी सैंपल के अंदर दाखिल होने की पावर लाइट के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। और इसलिए ज़्यादा है कि फोटॉन जो है लाइट पार्टिकल, इसकी पेनिट्रेशन कम है और इलेक्ट्रॉन जिसकी वेवलेंथ कम है इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल है, इसकी रिजोल्यूशन भी और मैग्निफिकेशन भी। ये माइक्रोस्कोप काम किस तरह करता है कि इस माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन सोर्स है जो यूजुअली एक टंगस्टन का फिलामेंट होता है, जिस पर जिसको हम जब इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन की फायरिंग करता है। इस इलेक्ट्रॉन की फायरिंग को फोकस करने के लिए हमारे पास कंडेंसर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो लेंसेज हैं, इसको लेंस तो नहीं कह सकते लेकिन चूंकि माइक्रोस्कोप तो हम इसको लेंस कह लेते हैं। ये इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को चेंज कर सके, इलेक्ट्रॉन को फोकस कर सके। ये कंडेंसर इलेक्ट्रॉन को कंडेंस करके ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तरफ भेज देते हैं और ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट करते हैं स्पेसिमन की तरफ और ये स्पेसिमन में पेनिट्रेट करके ये इंफॉर्मेशन डिस्पर्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तरफ ले जाते हैं और डिस्पर्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ये इलेक्ट्रॉन और इसकी जो डिटेल है ये फोटोग्राफिक प्लेट को मुंतकिल कर देते हैं और इस फोटोग्राफिक प्लेट पर स्पेसिमन की तस्वीर बन जाती है। इस तस्वीर को आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर भी देख सकते हैं, आईपीस में इसके अंदर लगे होते हैं, या इसको आप स्क्रीन की तरफ भी डायरेक्ट कर सकते हैं। और
इस इमेज को आप प्रिंटर के जरिए निकाल भी सकते हैं उस स्क्रीन से, उस कंप्यूटर से। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है तो ये इस फोटोग्राफी प्लेट से ये तस्वीर कंप्यूटर की तरफ भेजेगा और कंप्यूटर से ये इमेज आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं प्रिंटर के जरिए से। तो ये इसका सादा सा मैकेनिज्म है, किस तरह से कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन सोर्स है जो यूजुअली टंगस्टन फिलामेंट होता है, इसको हम एक्साइट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन की फायरिंग करता है। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की फोकसिंग के लिए हमारे पास कंडेंसर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और डिस्पर्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। ये कंडेंसर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का काम यह है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक जगह पर जमा कंडेंस करें, फिर इनको डायरेक्ट करें ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तरफ। ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रॉन को फोकस करते हैं स्पेसिमन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन स्पेसिमन की डिटेल लेकर जाते हैं डिस्पर्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन इलेक्ट्रॉन को फोटोग्राफिक प्लेट की तरफ मुंतकिल कर देते हैं और यहाँ पर इमेज बनती है। और ये इमेज आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आईपीस के जरिए से भी देख सकते हैं या इस इमेज को आप स्क्रीन की तरफ भी बेच सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है और इसका प्रिंट आउट करके किताब के अंदर भी लगा सकते हैं। जिस तरह हमारे पास बास तस्वीरें जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर है ये इस तरीके से ली गई है। ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी दो किस्में हैं, एक को हम कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इसकी दूसरी किस्म स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसको हम टेम भी कहते हैं, शॉर्टकट टेम, और इसको हम कहते हैं सेम। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये किसी इमेज की गिव्स अ इनर डिटेल्स ऑफ अ स्पेसिमन, और ये जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इट गिव्स अ 3D इमेज ऑफ अ स्पेसिमन। ये किसी स्पेसिमन की 3D इमेज आपको दे सकता है, 3-dimensional इमेज। तो इस माइक्रोस्कोप की दो किस्में, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि ज्यादा पावरफुल है और ये किसी स्पेसिमन का 3 सेक्शन आप लेते हो इस माइक्रोस्कोप के अंदर आप इसको रखते हो तो ये आपको 2-dimensional इमेज देगा, और 2-dimensional इमेज किस तरह देगा, इनर डिटेल की। लेकिन ये जो माइक्रोस्कोप है ये आपको एक्सटीरियर की बाहर की डिटेल 3-dimensional इमेज के तौर पर देगा किसी स्पेसिमन की। यानी फॉर एग्जांपल आप इस माइक्रोस्कोप में अंदर सेल रखते हो एज ए स्पेसिमन सेल, तो ये जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये सेल की बाहर की इमेज आपको देगा 3-dimensional। जैसे हम रियल लाइफ में चीज़ें हैं तो वो 3-dimensional वाई एक्सेस एक्सेस जेड एक्सेस, तो आप इसके हर तरफ को देख सकते हैं, इस इमेज को आप रोटेट कर सकते हो, इसके नीचे से ऊपर से साइड से आप इसका व्यू ले सकते हो अगर आपने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ किया हो। लेकिन अगर आपने टेम यूज़ किया हो तो ये आपको स्पेसिमन का इनर डिटेल देगा, लेकिन वो भी 2D इमेज। 2D इमेज का मतलब 2-dimensional। 2-dimensional जैसे आपको इस वाइट बोर्ड पर जो राइटिंग नज़र आ रही है ये 2-dimensional में है, क्योंकि आप इसकी सिर्फ ऊंचाई और चौड़ाई देख सकते हो, इसकी मोटाई आप नहीं देख सकते हो क्योंकि ये 2-dimensional राइटिंग है। लेकिन अगर आप ये मार्कर देख रहे हो तो आप रियल लाइफ में इसको हर डायमेंशन दे सकते हो, इसकी ऊंचाई, इसकी चौड़ाई, इसकी मोटाई, हाइट, विड्थ एंड ब्रेड्थ आप सब कुछ देख सकते हो, ये 3D इमेज है। तो ये माइक्रोस्कोप आपको सेल की किसी स्पेसिमन की 3D इमेज देगा, 3-dimensional इमेज जिसको आप रोटेट करके हर तरफ से देख सकते हो, लेकिन ये आपको इनर डिटेल देगा। ये ज़्यादा पावरफुल है लेकिन इसकी इमेज होगी वो 2D होगी। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं स्टेनिंग। अल्लाह हाफिज़।